असलकम स्टूडेंट्स आज हम लोग चैप्टर नंबर थ्री का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ बैंडवेड्स और इसमें हम दो कम्युनिकेशन की टेक्निक्स पढ़ेंगे दैट इज़ बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड नाउ वट इज़ मेन्ट बाई बैंडवेड्स आपको पता है कि जो डेटा है वो ट्रांसमिट एक जगह से दूसरी जगह पर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल होता है सिग्नल्स जो हैं दे कैन बी एना लॉक एज़ वेल एज डिजिटल सिग्नल्स जिस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट होता है डाटा सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं वी कॉल देम दी कम्युनिकेशन चैनल और दी ट्रांसमिशन चैनल अब जो भी कम्युनिकेशन चैनल होता है वो केबल्स की फॉर्म में भी हो सकता है थ्रू एयर भी डाटा ट्रैवल कर सकता है जैसे वायरलेसली डाटा ट्रैवल कर रहा होता है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है उस चैनल की ठीक है उस ट्रांसमिशन चैनल की जो एक तरह से स्पीड है स्पीड मींस कि कितना डाटा एक यूनिट टाइम में ट्रैवल कर सकता है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं सो बैंडविड्थ इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम कम्युनिकेशन मीडियम से यहाँ पे मुराद क्या है ट्रांसमिशन चैनल दैट कैन बी केबल्स वायर्स ठीक है जिसके थ्रू डेटा ट्रांसमिट हो रहा है सो so, जितनी अच्छी बैंडविड्थ होगी दैट मीन्स उतना तेजी से डाटा ट्रैवल करता है थ्रू द चैनल थ्रू द मीडियम जितनी कम बैंडविड्थ है दैट मीन्स उतना कम डाटा ट्रैवल कर रहा है थ्रू द मीडियम अब एनालॉग सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स होते हैं जबकि डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं दो डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं आइदर ज़ीरो और वन ठीक है जिसको हम बाइनरी डिजिट्स या बिट्स भी कहते हैं सो so, अगर हम एनालॉग सिग्नल्स का बैंडविट्स मेजर कर रहे हैं कि एक केबल से एनालॉग लॉग सिग्नल्स जो ट्रेवल uh, करें उसकी स्पीड क्या है तो वो उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है दैट इज़ साइकल्स पर सेकेंड या फिर हर्ड्स यूज़ होता है यानी ये जैसे एक मेन पॉइंट है ये एक साइकिल है एनालॉग सिग्नल का सो so, एक सेकंड में ऐसे कितने साइकल्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं ठीक है एनालॉग सिग्नल्स के एक सिग्नल में कितने ट्रैवल करते हैं इसको हम कहते हैं कि उस मीडियम की बैंडविड्थ होगी सो एनालॉग सिग्नल्स की बैंडविड्थ साइकल्स पर सेकेंड से मैयर होती है लेकिन डिजिटल सिग्नल्स क्योंकि कंटिन्यूस नहीं होते हैं ज़ीरो और वन होते हैं ये बिट्स कहलाती हैं जीरो और वन ठीक है सो ये हम कैसे मेजर करते हैं अगर डिजिटल सिग्नल्स हैं तो तब अगर हमने मीडियम की बैंडविड्थ मेजर करनी है तो हम कहते हैं कि बिट्स पर सेकंड यानी एक सेकंड में कितने जो हैं वो बाइनरी डिजिट्स जो हैं बिट्स जो हैं वो ट्रैवल कर रही हैं। डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम हैव डिफरेंट बैंडविड्थ ट्रांसमिशन मीडियम के बहुत सारे टाइप्स हैं ना कोएक्सियल केबल भी होती है फिर uh, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल होती है फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो उसमें इन द फॉर्म ऑफ लाइट ट्रेवल करता है इट्स एक्सपेंसिव एज वेल उसकी बैंडविट जो है वो सबसे ज्यादा है बाई बैंडविथ वी मीन यूनिट एक यूनिट टाइम में सबसे ज्यादा डाटा ट्रेवल कर रहा होता है इन द फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन मीडियम सो हाई द बैंडविथ मोर इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसमिटेड एट अ टाइम देन वी हैव टू कम्युनिकेशन टेक्नीस दैट इज बेस बैंड एंड ब्रॉड बैंड बेस बैंड कम्युनिकेशन टेक्निक ऐसी टेक्नीक है जिसमें डिजिटल सिग्नल्स डायरेक्टली ट्रांसमिट किए जाते हैं थ्रू द केबल्स थ्रू द ट्रांसमिशन मीडियम और उनको चेंज नहीं किया जाता इन टू एनालॉग सिग्नल ये जो बेस बैंड टेक्नीक है ये यूजली लोकल एरिया नेटवर्कस यानी क्लोज जब डिवाइस होती हैं क्लोज कम्प्यूटर्स होते हैं उसमें यूज़ हो रही होती है और इसमें कोई मॉड्यूलेशन मॉडुलेशन से मतलब ये है कि डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट नहीं किया जाता बल्कि ट्रांसमिशन मीडियम या चैनल से जो डाटा ट्रैवल कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स ही ट्रैवल कर रहा है so, तो ऐसी डिवाइस कोई बीच में नहीं चाहिए जो कि कन्वर्ट करे देर इज़ नो मॉड्यूलेशन टेक्निक यूज इन इट थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम द डाटा इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स यानी कंप्यूटर के अंदर डिजिटल सिग्नल्स प्रेजेंट हैं और जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजे जा रहे हैं थ्रू एनी मीडियम थ्रू एनी वायर थ्रू एनी केबल सो दे आर बींग ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स इट ट्रांसमिट्स ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम ये स्लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडबैंड सिग्नल्स इनकी स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती बैंडवेड्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है सो बेस बैंड सिग्नल्स को ही हम एक तरह से डिजिटल सिग्नल्स भी कहते हैं दूसरी जो टेक्निक है दैट इज ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन टेक्नीक ब्रॉडबैंड का वर्ड काफ़ी यूज़ हो रहा है यही कम्युनिकेशन टेक्निक हमारी पी जो है वो भी यूज़ कर रही है और हमें जो यूजुअली डी एस एल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन डी एस जो लोगों ने घरों में एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ होता है वो इसी टेक्निक को यूज़ कर रहा है ये टेक्निक लॉन्ग डिस्टेंसेज में डाटा को ट्रैवल करवाने के लिए यूज़ होती है सो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ ट्रावल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वॉइस एंड वीडियो अब ये इससे अपोज़िट है पहली बात तो ये कि ये उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होती है सेकेंडली इसमें कम्युनिकेशन बेस्ड पैंड कम्युनिकेशन जो हो रही होती है सिग्नल्स जो होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स ट्रैवल कर रहे हैं जबकि ब्रॉडबैंड में वही डिजिटल सिग्नल्स जो कि कंप्यूटर में प्रजेंट होते हैं उनको पहले कन्वर्ट किया जाता है इन टू एनालॉग सिग्नल्स ताकि उनको लॉन्गर डिस्टेंसेस में जो है वो ट्रांसमिट किया जा सके डेटा सेंट बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन टू अ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी यानी हर सिग्नल की को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पे जो की जो है वो उसकी मॉड्यूलेटिंग उसको मॉड्यूलेट किया जा रहा होता है एंड देन इट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड और जो टेक्निक यूज होती है दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी डिविजन मल्टीप्लैक्सिंग दिस मीन्स मल्टीपल सिग्नल्स कैन बी ट्रांसमिटेड एट द सेम टाइम सो दिस इज अ टेक्नीक विच इज़ यूज इन ब्रॉडबैंड फॉर मॉड्यूलेटिंग द सिग्नल्स हर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी चेंज की जाती है फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितना जो है वो कितने कितनी साइकल्स uh, uh, जो, uh, जो हैं वो एक यूनिट टाइम में जो है वो ट्रेवल कर रही हैं सो हर सिग्नल को डिफरेंट फ्रिक्वेंसी पर मॉडुलेट किया जाता है और उसको फिर ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू द कम्युनिकेशन मीडियम इट्स फास्टर दैन द बेस बैंड ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि बेस बैंड टेक्निक की नस्पत्ति काफ़ी फास्ट है न वी हैव बेस्ड ब्रॉड बैंड इज द बैंडवर्ड्स यूज फॉर डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कम्प्यूटर्स सच अज़ मेन फ्रेम कम्प्यूटर्स यानी ज़्यादातर जो है वो लार्जर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं उनके दरम्या में भी कम्युनिकेशन जो है वो ब्रॉडबैंड uh, टेक्निक के थ्रू ही हो रही है सिमिलरली माइक्रोवेव सेटेलाइट्स फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया इन सब के थ्रू ये सारे के सारे ट्रांसमिशन मीडियम्स हैं इनके थ्रू जो डाटा ट्रेवल कर रहा होता है उसमें यूजुअली यही जो है वो ब्रॉडबैंड टेक्निक यूज़ की जा रही होती है एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में ही डाटा ट्रेवल कर रहा होता है दैन वी हैव आर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया कम्युनिकेशन मीडिया के टर्म हम पहले काफ़ी दफ़ा यूज़ कर चुके हैं इट इज़ द ट्रांसमिशन चैनल इट इज़ वन कम्पोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन फाइव कम्पोनेंट्स हमने पहले पढ़े थे मैसेज होता है सेंडर होता है रिसीवर होता है इनकोडर डिकोडर होता है और एक जो है वो कौन सा है दैट इज़ कम्युनिकेशन मीडिया यानी वो पाथ जिसके थ्रू डाटा ट्रेवल कर रहा है लोकल एरिया नेटवर्क्स में ये यूजुअली पाथ क्या होता है केबल्स वगैरह होती हैं ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क्स में इट कैन बी बोथ कम्बिनेशन दोनों का हो सकता है केबल्स भी हो सकती हैं वायरलेस मीडियम भी यूज़ हो सकता है सो कम्युनिकेशन मीडिया इज द पाथ थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड या फिर इसको कम्युनिकेशन चैनल भी कहा जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विस्टेड पेयर वायर है कोकसील केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल है आपके ये वाले तो वायर्ड मीडियम्स हैं ना ये तीन तीनों वायर्स हैं और ये माइक्रोवेव और सेटलाइट ट्रांसमिशन क्या होती है वायरलेसली होती है सो कम्युनिकेशन मीडियम को एक तरह से हम दो ब्रॉड कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं जो वायर्ड वाली मीडियम्स हैं यानी फाइबर ऑप्टिक केबल हो गया कोएक्सियल ट्विस्टेड पेयर इनको हम कहते हैं गाइडेड मीडिया और जो वायरलेस हैं दैट इज़ माइक्रोवेव के थ्रू हो रही है ट्रांसमिशन सेटेलाइट ट्रांसमिशन हो रही है थ्रू एयर हो रही है तो ये वाली मीडियम कौन सा यूज़ कर रहे हैं दे आर कॉल्ड एस दी अनगाइडेड मीडिया दैट इज़ वायरलेस मीडिया पहले हम लोग कम्युनिकेशन मीडियम में कौन सी वाले टाइप पढ़ेंगे दैट इज़ गाइडेड मीडिया गाइडेड मीडिया में क्या है कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर विया केबल्स वीआर मीन्स थ्रू केबल्स और फिजिकल मीडियम यानी केबल्स को ही फ़िज़िकल मीडियम कह रहे हैं कि थ्रू एयर कनेक्टेड नहीं है वायरलेसली कनेक्टेड नहीं है ये यूजली लोकल एरिया नेटवर्क्स में थ्रू केबल्स ही कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर्स को सो कम्युनिकेशन डिवाइसेस आर कनेक्टेड विथ ईच अदर थ्रू दी केबल्स डेटा सिग्नल्स आर बाउंडेड टू अ केबलिंग मीडियम वो बाउंड होते हैं ना एक केबल के अंदर से उन्होंने पास करना होता है बस सो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज दी बाउंडेड मीडिया सो एग्जाम्पल्स क्या हैं ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल अनगाइडेड मीडिया कौन सी हैं कम्युनिकेशन डिवाइस सेंड एंड रिसीव डेटा सिग्नल्स थ्रू एयर और स्पेस सो एयर या स्पेस के थ्रू जो है वो डाटा या सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहे होते हैं दैट मीन्स इट्स अ वायरलेस वायर्स के बगैर होता है सो दे आर कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव एनालॉग वेव जो होती है कंटिन्यूस वेव उसके फॉर्म में डाटा ट्रैवल कर रहा होता है सो अनगाइडेड मीडिया इज़ प्रोवाइडिंग द मीन्स टू ट्रांसमिट द डाटा सिग्नल लेकिन क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है ठीक है एक स्पेसिफिक विथ होती है ना केबल की जिसमें डाटा uh, ट्रैवल कर रहा होता है वो बाउंड हुआ हुआ होता है सो so, यहाँ पे बाउंड नहीं है इसीलिए हम कहेंगे इट डज़ नॉट गाइड दम अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ कि एक जैसे केबल का स्पेसिफिक पाथ है तो एयर के थ्रू जब सिग्नल्स ट्रैवल करें तो देर इज नॉट अ स्पेसिफिक पाथ फॉर इट सो डेटा सिग्नल्स और आर नॉट बाउंडेड टू केबल मीडिया इसीलिए इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं कि डाटा जो है वो बाउंड नहीं हुआ बाकी इतनी सी जगह से डाटा ट्रैवल करना है बल्कि इट्स एन अनबाउंड मीडिया यूज़ वन इट इज़ इम्पॉसिबल टू इंस्टॉल केबल ज़्यादातर तब यूज़ होता है जब केबल्स को इंस्टॉल करना लगाना पॉसिबल नहीं होता जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन में भी है ना मोबाइल डिवाइस क्योंकि आप हर वक्त पोर्टेबल हैं आप इधर से उधर कैरी कर रहे हैं अपने मोबाइल्स को तो जब उसके थ्रू आप नेटवर्क से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो वो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसमें जो कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ हो रहा है वो अनगाइडेड मीडिया है यानी एयर के थ्रू सिग्नल जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू दिस मीडियम फ़ायदा इसका क्या है कि आप इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं एग्जांपल्स माइक्रोवेव ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सो दैट इज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर आज हम लोगों ने मेनली जो है वो दो तरह के कम्युनिकेशन चैनल्स पढ़े हैं और इसके अलावा हम लोगों ने बैंडविड्थ की टर्म पढ़ी है और दो कम्युनिकेशन टेक्निक्स पढ़ी हैं दैट इज़ ब्रॉडबैंड एंड बेस बैंड इनशाला ये जो दो हम लोगों ने कम्युनिकेशन मीडियम्स गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया पढ़े हैं हम इनशाला इनकी बारी बारी जो है डिटेल जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे विल बी स्टडिंग ईच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ मीडियम्स दैट आर बीइंग यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा दैट्स ऑल फॉर टू लेक्चर थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़